माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा के कार्य प्रक्रिया संचालन संबंधित नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि विधानसभा सत्र सिवाना में 2011 के जनसंख्या 4,23,000 लोगों एवं 2017 की पशु गणना के अनुसार 52,00,000 पशुओं को पानी उपलब्ध करवाने के लिए मेरे क्षेत्र के 297 गांवों को नहरी पोखरण फलसून बालोतरा सिवाना वृहद पेयजल योजना एवं उम्मीद सागर परियोजना कैनाल से जुड़े हैं। इतने बड़े क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु परियोजना के 2 खंड रेगुलर के एवं 1 खंड में 7 सहायक अभियंता एवं 4 कनिष्ठ अभियंताओं के पद रिक्त हैं। साथ ही विभागीय मापदंड अनुसार आवश्यक तकनीकी स्टाफ के बदले महज 20% कार्मिक ही कार्यरत हैं। नहरी परियोजना पोखरण फलसून बालोतरा सिवाना संतरा भाकरी से सिवाना के काठाड़ी एवं पाइला कला तक की लगभग 187 किलोमीटर लंबाई में पाइपलाइनों के निरीक्षण पर्यवेक्षण हेतु महज 1 अधिशासी अभियंता ही वर्तमान में कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में हो गए वह समूचा क्षेत्र नहरी पानी के भरोसे ही है। आए दिन इस परियोजना की पाइपलाइन टूटने एवं लीकेज होने के कारण पानी नहीं मिलने से सारों और पानी की तरह तरह मची है। सिवाना में 700 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। बालोतरा में भी लोग हड़ताल पर आतुर हैं। सर्दी के दिनों में ये हालात है तो गर्मियों में क्या होगा। सरकार परियोजना के तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के पद भरे या बालोतरा में 15 दिन के स्टॉक हेतु रिजर्व वायर का निर्माण करें। इस हेतु खेड़ में जसवाल में जमीन उपलब्ध है। और सी शरण में पूरा बजट देकर कार्य को गति प्रदान करें एवं बालोतरा शहर सहित मुंगड़ा उमरलाई तक मीठा पानी पहुंचाने का इंतजाम करें। समय रहते पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। धन्यवाद श्री गिरधारी लाल जी।